गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बिहार बोर्ड 2018 का पार्ट थर्ड है, मतलब लास्ट है 2018 का। इसमें 35 क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का डिस्क्रिप्शन करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेना। तो ऑप्टिकल फाइबर में कम्युनिकेशन होता है जो किस पर डिपेंड होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका आंसर ये होगा। ऑप्टिकल फाइबर आता ही है तो उसमें TIR होता है, और TIR में बताए थे क्रिटिकल एंगल होती है, तो क्रिटिकल एंगल कितना डिग्री का होती है, तो 90 डिग्री का होती है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एप्लीट्यूड प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव इज गिवन बाय, तो बाई वन दिया हुआ है, बाई टू दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, बनाइएगा। द फेज डिफरेंस फाइ इज रिलेटेड टू पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता है सी नंबर है लेमडा बाई टू पाई, और फाइ लेमडा बटा टू पाई इंटू फाइ, या लेमडा फाइ इंटू टू पाई, फेज डिफरेंस का फार्मूला होता है टू पाई लेमडा गुना पाथ डिफरेंस। तो देखिए पाथ डिफरेंस का क्या हो गया, पाथ डिफरेंस क्या है आपका डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू रखे टू पाई वाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, तो इसे डेल्टा एक्स का वैल्यू रखे तो आपका फाइ इंटू लेमडा टू पाई डेल्टा एक्स, तो इधर मल्टीपल में इधर क्या हो गया डिवाइड, तो डेल्टा एक्स बराबर हो गया लेमडा इंटू फाइव इंटू टू पाई, तो देखिए कौन है, तो आपका सी नंबर है, ठीक है, समझ गए। क्या किए, कभी कभी पूछेगा फेज डिफरेंस का फार्मूला, तो टू पाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, टू पाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आइज, तो ह्यूमन आइज का रिजॉल्विंग पावर इतना होता है, ये तो याद करने वाला चीज़ है 160। कॉर्निया को हम लोग विंडोज खिड़की कहते हैं, आँखों की खिड़की कहते हैं कॉर्निया को, कोई दिक्कत, कॉर्निया आल्सो कॉल्ड विंडोज या प्रेचर ऑफ द आइज, ठीक है, कॉर्निया को याद रखिएगा, पूछेगा ह्यूमन विंडोज किसे कहते हैं, आँखों की खिड़की किसे कहते हैं, तो कॉर्निया कहते हैं। अगला प्रश्न है, पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू है एक्सलेट कर रहा है, पोटेंशियल भी है, तो डी ब्रॉगलिंग वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगलिंग वेवलेंथ सी का हो गया, एच वाई अंडर रूट टू क्यू पी एम बी फार्मूला है, इसका भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इस वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो रहा था 2018 में, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन किया जा रहा था, टाइम कम था, इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया, डायरेक्ट याद करिएगा कि कोई पार्टिकल मास एम है, चार्ज एक्सलेट कर रहा है, घूम रहा है, तो उसका वेवलेंथ होगा एच बटा अंडर रूट टू क्यू एम बी, ये क्यू है, क्यू है क्यू क्यू एच अंडर रूट एच बटा अंडर रूट टू क्यू एम बी। द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी दिया हुआ 10^14 हर्ट्ज रेडिएशन, ये दिया हुआ है जूल एनर्जी, तो इसका आंसर आपका होगा सी नंबर। अब देखिए सी नंबर एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ फोटोन का, तो ई बराबर एन एच भी ई बराबर एन नंबर एच प्लैंक कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी, तो इधर मल्टीपल में तो इधर डिवाइड में हो गया, वैल्यू से कट गया, ये नीचे माइनस में तो ऊपर हो गया आपका प्लस में, ये फार्मूला जान लीजिए ई बराबर एन एच भी, तो एन बराबर हो गया ई बटा एच भी, ठीक है। न्यू फोटोन हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, याद रखिएगा, लाइट ऑफ फोटोन स्ट्रेट में चलती है, मास भी सेम होती है, स्पीड ऑफ लाइट सेम होता है, इसका रेस्ट ऑफ मास जीरो होता है, पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 13, द मिनिमम एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो मिनिमम एंगुलर मोमेंटम क्या होगा हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम पढ़े थे ना लाइमर बाल्मर, इसका आंसर होगा एच बाई टू पाई जूल सेकंड, एच बाई टू पाई एल बराबर एम बी आर एन एच बाई टू पाई एल हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। चलिए उधर देखते हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, देखिए द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट से 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो मिनिमम एनर्जी पूछेगा, ये नहीं पूछ के पूछेगा मिनिमम एनर्जी कितना ग्राउंड्स होती है, तो 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। अब इसका हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच वी माइनस वी नॉट, ये फार्मूला आपका हो गया आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन, कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि विच इज द फ्लोइंग ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होगा, तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच वी माइनस वी नॉट, ठीक है, समझ गए। अब सुनिए क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वेश्चन रिपीट है, कम से कम बहुत बार रिपीट हो चुका है, रिपीट क्वेश्चन
क्वेश्चंस, ठीक है। द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ स्पेसर आर जेड एंड ए रिस्पेक्टली द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द एटम विल बी, तो इसका एटम होगा डी नंबर ए माइनस जेड, मतलब ए बराबर होता है जेड प्लस एन, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो एटॉमिक मास आता है, तो इधर प्लस में तो इधर माइनस, इसलिए आपका आंसर आपका हो गया सी नंबर। तो ये हो गया एटॉमिक, रिवीज कर दिए एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, द क्वांटिटीज विच रिमेन कंजर्व इन न्यूक्लियर रेडिएशन, तो न्यूक्लियर रेडिएशन क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, मतलब क्वांटिटी रिमेन कंजर्व होता है एनर्जी, तो टोटल चार्ज भी कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम भी होता है, लीनियर मोमेंटम भी, तो इसका आंसर डायरेक्ट तीनों होगा, इसलिए डी एबव। मीनिंग ऑफ फैक्स, तो मीनिंग ऑफ फैक्स, फैक्स का मीनिंग होता है फैसिमल टेलीग्राफी, ऑप्शन बी। और इसमें से कुछ एक क्वेश्चन आता है 2009 में भी पूछा था, डब्ल्यू का फुल फॉर्म। ईमेल एक तरह का प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो मैसेज को सेंड करता है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक लेटर्स या पिक्चर या कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट सर्विस के द्वारा, एक जगह से दूसरी जगह, उसे ईमेल बोलते हैं, ठीक है। डब्ल्यू, तो आप लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं डब्ल्यू से, बिहार वर्ल्ड स्टेट जो भी हो, तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेव रडार रेडियो डिक्टेशन एंड रेंजिंग, इसका अर्थ होता है लगा हुआ रहता है, कोई भी ऊपर से आता है तो उसका रेंज पता करता है कि कोई दूसरे कोई चीज़ आ रहा है, तो ये रडार वेव पता करता है। और एक होता है सोनार, ये भी पता है, ये समुद्र में डूबी हुई चीज़ को पता करता है, समुद्र में सी में अगर कोई चीज़ डूबा हुआ है तो उसको पता करता है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, गहराई में सोनार, ठीक है। फेज द पोजिशन ऑफ द वेव फ्रॉम सिग्नल रिस्पेक्ट टाइम विद जीरो रहता है, फेज कहते हैं, फेज को मेजर डिग्री में कहते हैं, याद रखिएगा, या रेडिएशन में डिग्री या रेडिएशन में, हाई फिडेलिटीज। सेमीकंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम T1 केल्विन एंड T2 देन रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, देन रेजिस्टेंस विल बी, तो होगा इनकी रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद, क्या बोल रहे हैं कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, और टेम्परेचर क्या डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, इसके लिए इसका आंसर ये होगा इंक्रीज, तो कूल्ड हो रहा है, कूल्ड के मतलब टेम्परेचर घटेगा, कूल्ड के मतलब टेम्परेचर घटता है ना कि बढ़ता है। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंस है टॉपिक में, देखिए क्वेश्चंस में कितना बिजोर से लाया है आपको, T1 T2 का मतलब समझ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, नहीं कूल्ड है, इसका मतलब टेम्परेचर घट रही है, मतलब गर्म से ठंडा हो रही है, तो गर्म से कोई भी वस्तु ठंडा होती है तो टेम्परेचर बढ़ती है कि घटती है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर क्या होती है, घटती है, तो टेम्परेचर घटेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, अभी पढ़े ना, टेम्परेचर घटेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, किस में, सेमीकंडक्टर में, जबकि मेटल में गलत दूसरा होता है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। तो ये हुआ, तो ऑटोमेटिकली कूल्ड हो रहा है, ठंडा हो रहा है, देखिए क्वेश्चन कितना तेजी से दिया, ठंडा हो रहा है मतलब टेम्परेचर घट रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर 35। इफ द करेंट कॉन्स्टेंट फॉर ट्रांजिस्टर आर अल्फा इंटू बीटा, तो बी नंबर हो गया, तो ये बढ़ गया, ठीक है। द रेशियो ऑफ द चार्ज एम्पलीट्यूड कैरियर वेव एम्पलीट्यूड ओरिजिनल, तो एम्पलीट्यूड वेव है ओरिजिनल कैरियर वेव एक जगह से दूसरी जगह लाने में, जो उस रेशियो को मॉडुलेशन फैक्टर बोलते हैं या डिग्री मॉडुलेशन बोलते हैं या मॉडुलेशन इंडेक्स बोलते हैं। फार्मूला हो गया फैक्टर का K FM/K। ERP मीन्स होता है इफेक्टिव रेडिएट पावर एंड एंटीना, इफेक्टिव रेडिएट पावर ऑफ एंड एंटीना, ठीक है। तो इसी तरह से आपका 2018 समाप्त होती है, और चलिए आपका एग्जाम बेस्ट आप लोग बहुत बढ़िया जाए, और देखते हैं 2019, तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा, अगर कल आप लोग समय होगा या देखने को होगा तो बनाते हैं, शुरू से अंत तक देखें, आपका एग्जाम बहुत बहुत अच्छा जाए, बेहतर जाए। और जो बिलीव और विश्वास शब्द की जो बात बोले थे वो आपको 3 तारीख को ही पता चलेगा, हम भरसक कोशिश करेंगे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और मेरे ऑब्जेक्टिव से लड़े, अभी भी थोड़ा टाइम है देख लीजिए, चलिए देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।